हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा नागपुर ब्लॉगर। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मैं अपनी विंटर स्किन केयर रूटीन, मतलब विंटर नाइट स्किन केयर रूटीन। तो चलिए मैं बताती हूँ कि मैं कैसे विंटर में अपने नाइट को अपने स्किन को कैसे केयर करती हूँ। तो आप लोगों को मेरे फेस पे ग्लो दिख रहा होगा, है ना, ग्लो और ऑयली ऑयली दिख रहा होगा मेरा फेस। ऑब्वियसली दिखेगा ही क्योंकि मैं अभी अभी स्किन केयर को पूरी तरीके से फॉलो किया है और आप लोगों को भी बताया है, तो चलिए देख लेते हैं। और एक चीज़ आप लोगों ने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट किया था कि डार्क स्पॉट्स कैसे दूर करें और मतलब फेस पे जो पिंपल्स निकल आते हैं उन्हें कैसे दूर करें हम। तो हम सारे प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन लेकर आए हैं जो कि मैं अपने स्किन केयर में बताने वाली हूँ। और अगर आप लोग रोज़ाना इसे अच्छी तरीके से फॉलो कर लेंगे तो मैं विश्वास के साथ कहती हूँ कि आपका डार्क स्पॉट्स एंड पिंपल्स वगैरह जो होते हैं ज़रूर दूर हो जाएंगे। मैं ज़्यादा नाइट में बहुत ज़्यादा क्रीम वगैरह नहीं लगाती हूँ, जो भी लगाती हूँ मैं आप लोगों को हॉनेस्टली वही चीज़ दिखाऊँगी। तो चलिए अब ज़्यादा बात नहीं करेंगे, देख लेते हैं। तो हमने यहाँ पे एक छोटा बाउल्स ले लिया है, फिर उसमें हम कोकोनट तेल ले लेंगे, कोकोनट ऑयल आप लोग देख सकते हैं। फिर उसके बाद हम इसे फेस पे अप्लाई करेंगे। हम इसे पूरे फेस पे अच्छी तरीके से अप्लाई करेंगे और हम इसे 5 मिनट तक मसाज करेंगे फेस पे, क्योंकि कोकोनट ऑयल से हमारा फेस मॉइस्चराइज अच्छी तरीके से हो जाता है और जिसकी ड्राई स्किन होती है उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि ड्राई स्किन के लिए कोकोनट ऑयल बेस्ट होता है। और विंटर में तो आप लोगों को पता ही है कि स्किन कितनी ज़्यादा ड्राई हो जाती है, सूखी सूखी सी लगती है, इसलिए कोकोनट ऑयल आप लोग ज़रूर यूज़ करें, डेली नाइट स्किन केयर में ज़रूर फॉलो करें। तो मैं इसे आईज़ के नीचे, मतलब हर जगह अच्छी तरीके से अप्लाई कर लेंगे और अच्छी तरीके से मसाज करेंगे 5 मिनट तक। फिर इसे हम 5 मिनट तक अप्लाई करके 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। हम इसे हैंड पे भी अप्लाई कर सकते हैं, आप लोग हैंड पे भी अप्लाई करना, क्योंकि हमारी स्किन हैंड हो या फिर फेस हो सारी स्किन इक्वल दिखनी चाहिए, इसलिए हैंड को भी मॉइस्चराइज करना ज़रूरी होता है। फिर हमारा 15 मिनट हो गया है, अब हम इसे कॉटन से रिमूव कर लेंगे। आप लोग हल्के हाथों से करना, मैंने स्पीड बढ़ाया है इसलिए इतना जल्दी जल्दी और लग रहा है कि बहुत ज़्यादा तेज़ी तेज़ी से हम रिमूव कर रहे हैं, बट मैं धीरे धीरे कर रही थी, कॉटन से रिमूव करेंगे, स्पीड को बढ़ा दिया है। और आप लोग अभी देखना कितना, मतलब डेड स्किन, जितनी डस्ट जमा होता है हम लोग के स्किन पे वो सारा निकल के आ जाएगा। आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद हम अपने डार्क स्पॉट्स और ब्लैक हेड्स और पिंपल्स जो होते हैं हमारे फेस पे निकल आते हैं उन्हें दूर करने के लिए हम लेमन का यूज़ करेंगे, क्योंकि लेमन में विटामिन सी होता है और वो हमारे स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि लेमन से पिंपल्स भी बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। इसके बाद हमने लेमन अच्छी तरीके से 2 मिनट तक फेस पे रब किया, फिर उसके बाद हमने सोचा स्क्रब कर लेते हैं। तो आप लोगों के पास जो भी स्क्रब है या फिर होम रेमेडी वाला स्क्रब बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं राइस से। तो हमारे पास स्क्रब था तो मैंने वही कोकोनट ऑयल में मिक्स करके स्क्रब फेस पे लेमन के साथ स्क्रब कर रही हूँ। इससे सारे मेरे डार्क स्पॉट्स और ब्लैक हेड्स और पिंपल्स वगैरह सब कुछ ठीक हो जाएंगे। तो आप लोग
आप लोग इसे डार्क स्पॉट्स हटाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर मेरे फेस पे पिंपल्स वगैरह निकलते हैं तो मैं लेमन ही इसी तरह से लेमन यूज़ करती हूँ। उसके बाद मैंने लेमन से कर लिया है। इसके बाद ये जो स्क्रब इसमें बचा है मैं अपने फेस पर थोड़ा सा स्क्रब कर लेती हूँ। वैसे स्क्रब हम रोज़ नहीं करते हैं, रोज़ नहीं करना चाहिए, वीक में दो बार करना है कर सकते हो। बाकी मैं डेली स्किन केयर रूटीन में तो यही फॉलो करती हूँ। दो मिनट तक हम स्क्रब करेंगे, हम फेस को अच्छी तरीके से वॉश कर लेंगे। चलिए अब हम फेस को वॉश करके आते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं हमने फेस को अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है और आप लोग मेरे फेस पर ग्लो देख सकते हैं कितना अच्छा आ रहा है। और फिर हम 10 मिनट बाद एक और रेमेडी बनाएंगे। रोज़ वाटर ले लेंगे हम एक बाउल्स में, आप लोग जितना चाहे उतना ले सकते हैं और मतलब इसे स्टोर करके रख सकते हैं फ्रिज वगैरह में, फिर बाहर भी रखेंगे तो ये ख़राब नहीं होता। और रोज़ वाटर और ग्लिसरीन हम ऐड कर लेंगे। ग्लिसरीन हम थोड़ा सा ही डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, और दोनों को एक में मिक्स कर लेंगे और एक स्प्रे बॉटल में हम भर लेंगे। और हम फेस वॉश करने के बाद मैं इसे ही अपने फेस पे स्प्रे कर लेती हूँ। ग्लिसरीन तो आप लोगों को पता ही है कितना ज़्यादा मतलब मॉइस्चराइज रखता है हमारे स्किन को, तो ग्लिसरीन तो विंटर में आप लोग ज़रूर यूज़ करिए। मैं तो ग्लिसरीन छोड़ती ही नहीं हूँ, मैं पूरे बॉडी में ग्लिसरीन लगाती हूँ, यूज़ करती हूँ। तो आप लोग भी इसी तरीके से अपना स्किन केयर रूटीन अच्छे तरीके से फॉलो करिए, आपका भी स्किन हेल्दी एंड ग्लोइंग बनेगा। तो चलिए इस तरीके से थपथपा के हम लोग सुखा लेंगे। और कितनी कम चीज़ों से अपनी स्किन को केयर करती हूँ और बिल्कुल नेचुरल तरीके से केयर करती हूँ। कोई भी केमिकल, कोई भी क्रीम, ये सारी चीज़ें मैं यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें पहले लगा चुकी हूँ, मुझे कोई किसी चीज़ का रिजल्ट ही नहीं मिलता, पता नहीं क्यों मेरी स्किन पे शूट ही नहीं करता। इसलिए मैं नहीं आप लोगों को वो सारी चीज़ें नहीं बता पाती हूँ, क्रीम वगैरह, क्योंकि मैंने यूज़ ही नहीं करती हूँ। तो फिर जो चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ बस मैं वही चीज़ें बताती हूँ आप लोगों को। और मैं कभी भी किसी वीडियो में ज़्यादा मेकअप नहीं करके आती, जैसे कि अभी देखो मैंने सिर्फ स्किन केयर को फॉलो किया है बस। उसके बाद मैं लिपस्टिक, थोड़ी डार्क लिपस्टिक लगा के आ गई, बिंदी लगा लिया, फिर उसके बाद और मेरे फेस पर कुछ भी नहीं लगाया है, बट ओनली बस जो चीज़ें मैंने बताया है वही चीज़ फॉलो की हो। तो मेरी स्किन आप लोग देख सकते हैं ऑलरेडी ऐसे ही रहता है, हमेशा ऐसे ही रहता है, क्योंकि मैं ज़्यादातर नेचुरल चीज़ें ही यूज़ करती हूँ। तो कैसी लगी हमारी वीडियो आप लोग कमेंट करके, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई और आगे और हमारी वीडियो को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो, और साथ में बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कर देना ताकि हमारी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।